हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप लोग का मेरे इस नए वीडियो में। जैसा कि आप लोगों को थंबनेल देख के पता चल ही गया होगा कि आज का वीडियो का टॉपिक किस पे है। जी हाँ दोस्तों, मैं आप लोग को आज क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में बताऊंगा, साइज के हिसाब से जो क्लासिफिकेशन होती है। अगर आप लोग इग्नू से BCA कर रहे हो, MCA कर रहे हो, किसी भी यूनिवर्सिटी से आप लोग BCA MCA कर रहे हो या गवर्नमेंट एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो, तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट बनता है। एक बच्चे को भी जाननी चाहिए, अगर वो बच्चे जो स्टडी करते हैं 6, 7, 5 में, उन लोग को भी जानना चाहिए क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर क्या होता है। बहुत सारे बुक्स में अलग अलग तरीके से मेंशन करके दिया गया है, बट इसकी जो चार पार्ट जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। चार ही पार्ट होती है, मैन, सुपर, मैनफ्रेम, मिनी एंड माइक्रो। इग्नू के बुक्स में इसे 6 में डिफाइन किया गया है, सुपर कंप्यूटर, मैनफ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, मीडियम और एक लार्ज कंप्यूटर। मैंने लार्ज मेंशन नहीं किया है, रीज़न ये है लार्ज कंप्यूटर ऐसे कुछ होता नहीं है, मैनफ्रेम को ही लार्ज कंप्यूटर कहा जाता है। पता नहीं इग्नू के ब्लॉग्स में क्यों मेंशन उसे किया गया था। कुछ कुछ बातें मैं आप लोग को बताऊंगा जो गलत मेंशन है, और उसे मैं आज प्रूफ करके भी दिखाऊंगा। मैंने सिडेक को मेल किया कि अगर आप मैनफ्रेम को मैं डिफाइन कर रहा हूँ, तो मैनफ्रेम के साथ मैं लार्ज को भी क्यों डिफाइन करूँगा क्लासिफिकेशन में, 6 पार्ट कहाँ से आ गई। मैं फिर से बोल रहा हूँ, इग्नू के ब्लॉक्स में 6 पार्ट दिया गया है, सुपर कंप्यूटर, मैनफ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, मीडियम कंप्यूटर और लार्ज कंप्यूटर। तो सिडेक का जो रिप्लाई आया है, सिडेक वाले ने साफ कहा है, सिडेक प्लस IIT BHU से जो रिप्लाई आया है, उन्होंने चार ही पार्ट को डिफाइन किया हुआ है। दो पार्ट को उन्होंने जो IIT BHU से जो मेल आया है उन्होंने 4 को डिफाइन किया था, सिडेक से जो मेल आया था उन्होंने 6 को डिफाइन किया था। 4 मेन और 2 सब पार्ट होती है, और लार्ज का कहीं मेंशन नहीं था। लार्ज अगर मैन फ्रेम आप लोग लिखते हो तो आप लार्ज कंप्यूटर को क्लासिफाई नहीं कर सकते हो, मैन फ्रेम कंप्यूटर को ही लार्ज कंप्यूटर कहा जाता है। तो मैं वीडियो के एंड में प्रूफ भी दिखाऊंगा, और जो इग्नू के बुक्स में जो मिसप्रिंट नहीं, जो अपडेट नहीं, उसे भी बताऊँगा क्या गलत है वहाँ पर। तो चलिए शुरू करते हैं। जो पहला पार्ट होता है उस क्लासिफिकेशन में, सुपर कंप्यूटर, जो बच्चों को पता है सुपर कंप्यूटर बहुत ही फास्ट काम करता है। इसकी जो सॉल्विंग स्पीड होती है, एक्यूरेसी होती है, बहुत ही फास्ट होती है। ये जो जितनी भी क्लासिफिकेशन है जो मैंने यहाँ पे 6 मेंशन करके रखा हुआ है, 6 में से सबसे ज़्यादा फास्ट ये वर्क करती है। सुपर कंप्यूटर इज़ द मोस्ट पावरफुल इन द टर्म्स ऑफ स्पीड एंड एक्यूरेसी। दे आर द टाइप्स ऑफ कंप्यूटर यूज्ड इन सॉल्विंग कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल प्रॉब्लम। ये इसकी डेफिनेशन में आप लोग लिख सकते हो। मैनफ्रेम की अगर बात करूँगा, मैनफ्रेम एज कम्पेयर देन सुपर कंप्यूटर, इसकी स्पीड थोड़ी सी स्लो होती है। आप देख सकते होंगे, मैनफ्रेम कंप्यूटर आर लार्ज साइज कंप्यूटर टाइप्स, दे आर इक्वली पावरफुल बट फॉल शॉर्ट इन द टर्म्स ऑफ कंप्यूटेशन एबिलिटी इन सुपर कंप्यूटर। दे आर लाइक बिग फाइल सर्वर इनेबलिंग मल्टीपल यूजर from nearby and remote location to access resources at the same time। ठीक है, अगर आप लोग सर्वर पे वर्क करते हैं या बहुत सारे यूजर्स को एक साथ काम करना है, तो सुपर कंप्यूटर का हम लोग यूज़ करते हैं। मैं नीचे आप लोग फिर इसका एग्जाम्पल्स और उसका डिटेल्स बताऊंगा, ये तो मैं बस अभी डेफिनेशन बता रहा हूँ सुपर कंप्यूटर का। मैनफ्रेम का डेफिनेशन क्या होता है मैं फिर से बता रहा हूँ। मैनफ्रेम कंप्यूटर सेकेंड लार्जेस्ट कंप्यूटर है, सबसे बड़ी कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर होती है, जिसकी एक्यूरेसी बहुत ही ज़्यादा फास्ट होती है। उसके बाद हम लोग मैनफ्रेम यूज़ करते हैं। मैनफ्रेम की एक्यूरेसी भी तो फास्ट अच्छी तो होती है, बट उसकी जो सॉल्विंग स्पीड होती है वो थोड़ी सी कम होती है एज कम्पेयर देन सुपर कंप्यूटर। थर्ड में मिनी कंप्यूटर आती है। मिनी कंप्यूटर आर जनरल पर्पज डिवाइस, देयर प्रोसेसिंग इज बिलो दैट मैन फ्रेम सिस्टम बट एबव कैपेबिलिटी ऑफ पर्सनल कंप्यूटर। मैन फ्रेम से थोड़ी सी इसकी स्पीड कम होती है, बट जो पर्सनल कंप्यूटर होता है जिसे हम लोग माइक्रो कंप्यूटर कहते हैं, उससे इसकी स्पीड ज़्यादा होती है। जी हाँ, मिनी कंप्यूटर की आप देख सकते हो, मैंने डिफाइन करके रखा हुआ है। मिनी कंप्यूटर आर द जनरल पर्पज डिवाइस, देयर प्रोसेसिंग पावर इज बिलो दैट द मैन फ्रेम सिस्टम बट एबव कैपेबिलिटीज ऑफ पर्सनल कंप्यूटर ऑल्सो नॉन एज मिड रेंज कंप्यूटर। दिस बिकम वेरी पॉपुलर इन 1960 के अप्रॉक्स में ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ था मिनी कंप्यूटर। उसके बाद माइक्रो कंप्यूटर, उसके बाद हम लोग देखते हैं माइक्रो कंप्यूटर को। माइक्रो कंप्यूटर को ही पर्सनल कंप्यूटर कहते हैं। जी हाँ, जो आप लोग हम लोग यूज़ करते हो लैपटॉप डेस्कटॉप, वो माइक्रो कंप्यूटर में ही आता है। माइक्रो कंप्यूटर आर द स्मॉलेस्ट लिस्ट, यानी कम एक्सपेंसिव, जो कम
पैसे की वाली जो होती है, एंड मोस्ट यूज टाइप्स ऑफ कंप्यूटर दे आर हाईली फ्लेक्सिबल एंड पोर्टेबल, दे आर मोर कॉमनली नॉन एज पर्सनल कंप्यूटर और सिंपली पीसी। जी हाँ, जो हम लोग घर पे यूज़ करते हैं लैपटॉप डेस्कटॉप जो माइक्रो कंप्यूटर में ही आता है दोस्तों। चार ही पार्ट इसकी मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर आप लोग एग्जाम्स में आते हैं तो आप लोग चार पार्ट डिफाइन करोगे, इन दो को सब पार्ट इन दो को भी आप लोग मेंशन कर सकते हो, बट आप लोग साफ लिखोगे ये जो फोर्थ होती है वो इंपॉर्टेंट होती है, सुपर, मेनफ्रेम, मिनी एंड माइक्रो। मैं फिर से कह रहा हूँ, मेनफ्रेम को ही लार्ज कंप्यूटर कहते हैं। आप लोग को इग्नू के ब्लॉक्स में जो लिखा हुआ है, अलग से लार्ज को अलग से डिफाइन किया हुआ है, मेनफ्रेम को अलग से डिफाइन किया हुआ है, ठीक है। आप लोग वैसा नहीं करोगे क्योंकि ये सीडेक से जो मेल आया था, सीडेक ही परम कंप्यूटर, जो इंडिया का जो परम कंप्यूटर है उसने सीडेक नहीं बनाया है, ठीक है। तो वहाँ के साइंटिस्ट का मेल गलत नहीं हो सकता। अलग अलग राइटर्स अलग अलग तरीके से मेंशन करते हैं अपने अपने बातों को, बट 98% जितने भी बुक्स में जितने भी रिसर्च में जो बताया गया है, फोर पार्ट ही हैं, सुपर, मेनफ्रेम, मिनी और माइक्रो। अब मीडियम जो सीडेक से जो मेल आया था, मीडियम और एम्बेडेड क्या होती है मैं इसे बता रहा हूँ। मीडियम जो होती है दोस्तों प्रोवाइड फास्ट ऑपरेटिंग स्पीड, मीडियम को सर्वर्स भी कहते हैं, प्रोवाइड फास्ट ऑपरेटिंग स्पीड एंड लार्ज स्टोरेज कैपेबिलिटीज, दिस कंप्यूटर सपोर्ट लार्ज नंबर ऑफ इनपुट आउटपुट डिवाइस एंड प्रोवाइड ऑनलाइन एक्सेस, सपोर्ट लार्ज एक्सपेंडेबिलिटी। जी हाँ, ये क्या होता है, जैसे कि आप हम लोग सर्वर का यूज़ करते हैं किसी भी ऑफिस में, तो आप लोग डेस्कटॉप का ही यूज़ करते हैं। हाँ, डेस्कटॉप का ही यूज़ करते हैं, अलग से कोई मिनी कंप्यूटर या सुपर कंप्यूटर यूज़ नहीं करते हैं सर्वर के लिए, आप लोग देखते भी होंगे। तो हम लोग क्या, लेकिन उसमें होता क्या है, आप लोग हम लोग क्या करते हैं उसकी साइज़ को बढ़ा सकते हैं, एक में वो फैसिलिटी होती है, मैंने यहाँ पे मेंशन करके रखा सपोर्ट लार्ज एक्सपेंडेबिलिटी, मतलब उसकी मेमोरी को हम लोग एक्सपेंड कर सकते हैं, जैसे जैसे रिक्वायरमेंट बढ़ते जाती है उसकी मेमोरी को हम लोग एक्सपेंड करते जाते हैं। एम्बेडेड सिस्टम क्या होता है, हम लोग जो घर में एसी यूज करते हैं, वॉशिंग मशीन यूज करते हैं, दीज आर द कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम विच आर स्टैंड अलोन इलेक्ट्रॉनिक्स हार्डवेयर डिजाइन टू परफॉर्म डेडिकेटेड कंप्यूटिंग टास्क, दे आर नॉट जनरल पर्पस इंस्टॉलेशन लाइक ए पर्सनल कंप्यूटर। अब आप लोग घर पे रिमोट यूज़ करते हो, पुराना जो टेलीफोन यूज करते थे, ये वॉशिंग मशीन यूज करते हो, वो सब एम्बेडेड सिस्टम में ही आता है। जी हाँ, और मीडियम्स कंप्यूटर जो जिसको हम लोग सर्वर करते हैं, सर्वर में हम लोग पर्सनल कंप्यूटर का यूज़ करते हैं, बट उसकी साइज जो होती है मेमोरी साइज को हम लोग इनक्रीज़ कर सकते हैं। ये तो डेफिनेशन था, डेफिनेशन के बाद हम लोग नीचे चलते हैं इसकी एग्जांपल्स पे। जी हाँ, ये जो पहला है ये आपका सुपर कंप्यूटर का है, सुपर कंप्यूटर का आप देख सकते हो ये सारे एग्जांपल है, इग्नू के बुक्स में मेंशन है टाइना। जी हाँ, ये जो टाइना 2 है इग्नू, वो एक्चुअली बुक में गलत नहीं है, वो लोग हो सकता है बहुत पहले बुक प्रिंट हुई होगी तो उन्होंने टाइना 2 को सबसे एडवांस सिस्टम बताया है, बट जो सीडेक से जो वहाँ से जो मेल आई है उसमें टाइना 2 को मेंशन नहीं किया गया है। मैं आप लोग को वीडियो के अंत में बताऊंगा। और आप लोग को एग्जांपल्स पूछता है सुपर कंप्यूटर का, तो आप लोग ये एग्जांपल देख सकते हो, रूट रनर, परम सुपर कंप्यूटर जो इंडिया का है, जगवार, टाइना, जिसकी प्रोनंसिएशन क्या होती है टाइना, ये चाइना ने बनाया था इसे, सबसे लेटेस्ट आपका ये वाला है, सनवे वाला है, ये आपका जो एग्जांपल्स है ये आपका मैनफ्रेम का है, सिस्टम J9, ये सब जितना भी हिटाची Z800 आर द एग्जांपल्स ऑफ द मैनफ्रेम कंप्यूटर, टेक्सस इंस्ट्रूमेंट TI-990, K202, माइक्रोवैक्स, तो ये एग्जांपल है आपका मिनी कंप्यूटर का। माइक्रो के बारे में तो बताने की आप लोगों को ज़रूरत नहीं है, डेस्कटॉप हो गया, लैपटॉप्स हो गया, लैपटॉप हो गई, टैबलेट हो गई, स्मार्टफोन हो गई, ये सब एग्जांपल आपका डेस्कटॉप का है। सर्वर का कोई स्पेसिफिक एग्जांपल नहीं है, सर्वर कंप्यूटर को जो या मीडियम साइज जो कंप्यूटर जो होती है हम लोग डेस्कटॉप की तरह डेस्कटॉप वाले कंप्यूटर को यूज़ करते हैं, बट उसकी साइज को हम लोग मेमोरी साइज को हम लोग इंक्रीज़ कर देते हैं। एम्बेडेड में हम लोग MP3 प्लेयर्स हो गया, DVD प्लेयर्स हो गया, ड्रोन्स हो गया, प्रिंटर हो गया, ATM हो गया, ये एम्बेडेड सिस्टम में आती है। तो पहले मैं आप लोग को डेफिनेशन बताया था ऊपर में,
आप लोग देख सकते हो, ये डेफिनेशन है। डेफिनेशन के बाद मैंने उसका एग्जांपल को मेंशन किया हुआ है। एग्जांपल के बाद आप लोग उसके यूजेस को बता देखोगे, सुपर कंप्यूटर, मैन फ्रेम, मीनिंग, माइक्रो, मीडियम और एम्बेडेड का क्या क्या यूजेस होता है। सुपर कंप्यूटर को हम लोग मिलिट्री में यूज़ करते हैं, एयरक्राफ्ट, टैंक और मैनी काइंड ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स में। दे आर ऑल्सो यूज दैम टू अंडरस्टैंड द इफेक्ट दे विल हैव द सोल्जर्स एंड सपोज ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट पे वर्क कर सपोज किसी अलग कंट्री ने, पाकिस्तान ने, चाइना ने हम पे अटैक किया, तो इसे खुद को में समझने की क्षमता होती है, ये हमसे परमिशन नहीं लेगा उस अटैक को रोकने के लिए। तो इस टाइप की जो टेक्नोलॉजी होती है उसमें सुपर कंप्यूटर का वर्क होता है, डेटा को इनक्रिप्ट करने में, डिक्रिप्ट करने में, सेंसिटिव डेटा को, इस सब इनमें भी सुपर कंप्यूटर का हम लोग यूज़ करते हैं। वेदर को मैप करने में, लगातार जो वेदर चेंज होते रहती है उसको मैप करने, उसके बिहेवियर को देखने में, अर्थक्वेक के बिहेवियर को मेजर करने में भी सुपर कंप्यूटर का यूज़ होता है। साइंटिफिकली बहुत ज़्यादा ही यूज़ होता है, साइंटिस्ट ऑल्सो यूज दैम टू सिम्यूलेट द इवेंट्स ऑफ द बिग बैंग एंड अदर स्पेस रिलेटेड प्रोजेक्ट। हमारे रिसर्च, बायोलॉजिकल रिसर्च के टर्म में भी इसका बहुत ज़्यादा यूज होता है। कंप्यूट एंड मॉडल प्रॉपर्टीज ऑफ द बायोलॉजिकल कंपाउंड लाइक प्रोटीन एंड ह्यूमन बॉडी। दे आर ऑल्सो यूज टू इंटरप्रेट न्यू डिजीज एंड स्टैंड एंड प्रिडिक्ट इलनेस को प्रिडिक्ट करने, उसके बिहेवियर को चेक करने में भी हम लोग सुपर कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। अगर हम लोग मेनफ्रेम को देखते हैं, मेनफ्रेम को मेकिंग रिजर्वेशन रियल टाइम में जो वर्क करता है, मेकिंग रिजर्वेशन एंड ट्रैवल शेड्यूल फॉर द एयरप्लेन कंपनीज, उसकी रिजर्वेशन को मेंटेन करने में, बड़े बड़े हॉस्पिटल में पेशेंट के रिकॉर्ड्स को मेंटेन करने के लिए, एटीएम में जो हम लोग कैश विड्रॉल करते हैं, अगर बैंक्स में कितना ट्रांजेक्शन हम लोग क्रेडिट कर रहे हैं, कितना डेबिट कर रहे हैं मनी को, वहाँ पर भी हम लोग इसका यूज़ करते हैं, मेनफ्रेम को यूज़ करते हैं। क्लाउड स्टोरेज में हम लोग मेनफ्रेम को यूज़ करते हैं, और भी बहुत सारा यूजेस है। मिनी कंप्यूटर का यूज़ थोड़ा सा लिमिट है। कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग द मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी, टाइम शेयरिंग टू अलाउ मल्टीपल यूजर टू इंटरेक्ट कॉन्करेंटली ऑन ए सिंगल सिस्टम। बहुत सारे यूजर को टाइम शेयरिंग टू अलाउ मल्टीपल यूजर टू इंटरेक्ट इन सिंगल सिस्टम, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल ऑफ लेबोरेटरी इक्विपमेंट। ये अब नहीं के बराबर ही यूज़ हो रहा है मिनी कंप्यूटर। अगर माइक्रो की बात करते हैं, माइक्रो तो बच्चे बच्चों को पता है, इन होम फॉर पर्सनल, अपने घर में आप लोग पर्सनल यूज के लिए यूज करते हो, ऑफिस में यूज करते हो, मोबाइल डिवाइसेस में यूज करते हो। अगर हम लोग मीडियम साइज कंप्यूटर में आते हैं, मीडियम साइज कंप्यूटर सपोज आप लोग किसी कंपनी में काम कर रहे हो, वहाँ पे सर्वर पे काम कर रहे हो, तो जो फाइल सर्वर जो होती है, डेटाबेस होती है, प्रिंट सर्वर होती है, एफटीपी सर्वर होती है, एप्लीकेंट सर्वर होती है, एक्चुअली ये जो टाइप्स जो होता है मीडियम साइज सर्वर, ये सर्विस प्रोवाइड करने का ही काम करती है किसी भी कंपनी को। हम लोग वहाँ यहाँ पे डेस्कटॉप कंप्यूटर का यूज़ करते हैं, बट मेमोरी को इन्हेंस करने के लिए हम लोग अलग अलग से अलग अलग पेरिफेरल डिवाइस का यूज़ करते हैं मीडियम कंप्यूटर में या सर्वर में। एम्बेडेड में क्या होता है, एम्बेडेड तो आप लोग को पता ही होगा, घर पे जो हम लोग वॉशिंग मशीन हो गया या रिमोट्स कंट्रोल हो गया या डेली का यूजेस में की भी जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है वो एम्बेडेड सिस्टम्स का ही एग्जांपल है। जी हाँ, फिर से मैं इन लोग का एग्जांपल्स बता रहा हूँ। ओएस, कौन सा ओएस यूज करता है, होता है सुपर कंप्यूटर में, मेनफ्रेम में, मिनी में, माइक्रो में। सुपर कंप्यूटर में बात करता हूँ मैं, सुपर कंप्यूटर में देख लो, सीएनएक्स ओएस यूज्ड ब्लू जेन फॉर आईबीएम, लाइनेक्स हो गया, सनवे हो गया, राइज ओएस। मेनफ्रेम में होता है जेड ओएस, लाइनेक्स ऑन जेड, जेड वीएम, जेड वी एस सी। मैं इन सब पे एक डिटेल वीडियो बताऊंगा, अभी बताऊंगा तो इन लोग का बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है, ये किस कंपनी ने बनाई थी, कब बनाई थी। मिनी में पूछा जाता है तो मिनी का DX10 टेक्सास इंस्ट्रूमेंट नाम की कंपनी इसने बनाया था।
आठ डॉल्स डेटा जनरल नाम की कंपनी इसने बनाया था, ये सब मिनी कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम, मिनी कंप्यूटर में जो ऑपरेटिंग सिस्टम जो यूज होता है उन सबका एग्जाम्पल्स है, और ये मेनफ्रेम में जो यूज होता है उसका भी एग्जाम्पल्स है। ये माइक्रो में तो आप लोग को पता ही होगा, विंडोज़ तो आप लोग घर पे यूज़ करते हो, विंडोज़, मैक, लाइनक्स, आईओएस, एंड्रॉयड, ये सब मैक का ये सब माइक्रो कंप्यूटर का एग्जांपल है, जिसे हम लोग पर्सनल कंप्यूटर भी कहते हैं। मीडियम में भी सेम है, जो हम लोग पर्सनल कंप्यूटर में यूज़ करते हैं हम लोग मीडियम या सर्वर में यूज़ करते हैं। एम्बेडेड में विंडोज़ हो गया, लाइनक्स हो गया, एंड्रॉयड का हम लोग यूज़ करते हैं। पहले जावा का भी यूज़ होता था, जावा का। मैंने इस वीडियो में दोस्तों हम लोग मैंने इस वीडियो को मैंने चार पार्ट में डिवाइड करके रखा हुआ है, सुपर कंप्यूटर, मेनफ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर और मीडियम और एम्बेडेड को। एक पहले डेफिनेशन डिफाइन किया हुआ है, आप लोग देख सकते होंगे। मैं स्लाइड को धीरे धीरे अप एंड डाउन करूँगा। ये डेफिनेशन है, डेफिनेशन के नीचे आप लोग को एग्जाम्पल मिल जाएगा इसका। एग्जाम्पल के नीचे मैंने यूजर्स को मेंशन किया हुआ है। इसके नीचे मैं आप लोग वीडियो पॉज करके देख सकते हो अगर आप लोग को लिखना होगा तो। इसके नीचे मैंने ओएस को मेंशन किया हुआ है, कौन सा ओएस कौन कंप्यूटर यूज़ करता है। हाँ, तो मैं इग्नू के ब्लॉग्स को मैं आप लोग को लेके चलता हूँ। इग्नू के ब्लॉग्स में आप लोग देखो, हो सकती है ये पहले ब्लॉग, ये जो बुक्स है बहुत पहले प्रिंट हुई होगी, उन्होंने ओल्ड जो मेंशन तभी था उसको यूज़ कर लिया हो, आप देख सकते हो। टाइना प्रोनंसिएशन, ये चूंकि चाइना में बना है प्रोनंसिएशन टाइना होता है। टाइना वन इन्होंने लिखा हुआ है, सुपर कंप्यूटर इज कंसिडर एज ए फास्टेस्ट कंप्यूटर इन द वर्ल्ड, बट टाइना वन ए अभी नहीं है फास्टेस्ट कंप्यूटर। मैं आप लोग को लेकर चलता हूँ अभी न्यू जो है, जो सीटेक की तरफ से भी जो मेल आया था, सबसे ज़्यादा फास्ट है सनवे। जी हाँ, ये भी चाइना ने ही बनाया है, ये भी चाइना ने ही बनाया है। अब देख सकते हो टॉप सुपर कंप्यूटर सिंस 2008 से जो टॉप सुपर कंप्यूटर्स है ये कौन कौन है। सबसे पहले 2008 में बना था रोड रनर, जो IBM ने बनाया था उसे USA में। इसकी जो स्पीड है 1.105 फ्लॉप है, पी फ्लॉप का मतलब मैं आप लोग को अंत में बताऊंगा, ये चलो दिखाता हूँ। पेटालो फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेटिंग ऑपरेशन पर सेकेंड, फ्लॉप्स की बात करता हूँ तो फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड। स्पीड पे मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जो वहाँ पे मेंशन होगा इसका मतलब क्या होता है। अभी आप लोग समझ लो, 2008 में जब बना था उसकी स्पीड बहुत ही कम थी, जो USA ने बनाया था। 2009 में जैगुआर बनाया था, उस जैगुआर भी USA ने ही बनाया था जैगुआर को। 2010 में जो है टाइना, हाँ उसकी 2.566 पी फ्लॉप थी डी। 2011 में जापान ने बनाया था। अभी जो सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट फास्ट कंप्यूटर जो वो चाइना ने ही बनाया है। इंडिया की आप रैंकिंग देख सकते हो, इंडिया का 2009 में सबसे लेटेस्ट है परम ब्रह्मा। जी हाँ, परम ब्रह्मा सबसे लेटेस्ट कंप्यूटर है, बनना तो बहुत पहले से स्टार्ट हो गया था बट ये लेटेस्ट है 2019 का। बट इसकी स्पीड, प्रोसेसिंग स्पीड बहुत ही कम है। ऐसे तो बहुत ज़्यादा फास्ट है बट एस जितनी भी अलग अलग कंट्री ने जो सुपर कंप्यूटर बनाया है उसके हिसाब से इसकी स्पीड बहुत ही कम है, 0.85। आप देख सकते हो जो 2008 में ही USA ने 1.105 जी है फ्लिप फ्लॉप की स्पीड की वाली कंप्यूटर को लॉन्च कर दिया था, बट इंडिया 2019 में भी अभी 0.85 पे ही है परम ब्रह्मा, जो सीडेक और ISR पुणे ने मिलकर बनाया हुआ है। तो मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर आप लोग को सुपर कंप्यूटर्स के बारे में कोई भी क्वेश्चंस आता है या क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स के बारे में कोई क्वेश्चंस आता है तो आप लोग चार को ही मेंशन करोगे, सुपर, मेनफ्रेम, मिनी और माइक्रो। इन दो को आप मेंशन कर सकते हो बट ये एक फुल इसकी क्लासिफिकेशन में नहीं आती है, मेनली चार ही मेंशन की हुई है। इग्नू के चूँकि बुक्स को मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, ये बुक्स बहुत पहले ही प्रिंट ये बुक्स बहुत पहले ही प्रिंट हुआ होगा तो ओल्ड बातें मेंशन की हुई है।
आशा करता हूँ आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोग को कोई क्वेश्चंस पूछना है, कोई नोट्स चाहिए या कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में आके क्वेश्चन पूछ सकते हो या मुझे मेल कर सकते हो, मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो।